देख लो भाई क्या चल रहा है यहाँ पे, इसी बात से हट रहे सारे। चलो भाई हट जाओ, हटे तो आते ही इसने चलान भी कटवा दिया हमारा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये अच्छा अभी नहीं, अभी नहीं। Hey guys, welcome back and बज रहे हैं सुबह के साथ और तुम्हारा भाई एकदम रेडी। अभी पहुंच चुके हैं ठान मार्केट, टाइम हो रहा है 7:30 एंड गाड़ी की हालत भाई दिखाता हूँ। गाड़ी की हालत अभी इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा बट काफ़ी गंदी हो चुकी है एंड आज इसकी भी वॉशिंग करवानी है भाई। देख लो पीछे से, अभी फटाफट चल के शूट करवाते हैं यहाँ करते हैं। मम्मी वहाँ खड़ी है, वहाँ खड़ी है मम्मी वहाँ खड़ी है भाई। डाकू मंडल पांडे नहीं, ये देखो डाकू फूलन देवी, फूलन देवी खड़ी है, फूलन देवी। मेरी माँ ने मेरा चचोरा घोषित कर दिया है। क्या रैपटा मारा है वो भी के लिए, यहाँ चाटा मारा है भाई, यहाँ चाटा नहीं, वो ऐसा घुसन टाइप मारा है जल्दबाजी में। चलो भाई वीडियो होगी, अब घर जा रहे हैं। घर आ चुके हैं एंड साथ साथ मेरे लेक्चर भी शुरू हो गए एंड आज भाई बहुत सारा काम है, फटाफट से करते हैं। ये कपड़े हैं सारे, कपड़े जो ले गया था सारे अभी लगा के उठा के उधर लगाने हैं, फिर बाकी काम करने हैं। अभी मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी वॉशिंग के लिए देने, ब्रेकफास्ट हो चुका है एंड भाई ये गेट वेट खोल रहा हूँ, लेके चलते हैं भाई। बहुत हालत खराब है बेचारी, गाड़ी मैंने छोड़ दी है। ये मिलेगी 3:30 बजे तक, ये रही अपनी। इसमें करवा रहा हूँ मैं नॉर्मल वॉशिंग एंड पॉलिश, पूरी गाड़ी चमका देंगे भाई। अभी चलते हैं, मैं सोच रहा थोड़ा सा कार्डियो कर लेता हूँ आज, अब से मैंने जो सोचा है। अब देखते हैं, मेरे को यहाँ पे घुसने देंगे या मेरे को कहीं और के पार्क में जाना पड़ेगा। मैंने अभी गाड़ी छोड़ी थी पटेल नगर के पेट्रोल पंप पे एंड अभी मैं आ चुका हूँ वॉक करने, थोड़ा मतलब कार्डियो करने पूसा में। पूसा भाई अब कोई पूछे कौन सी जगह है तो भाई दिल्ली वाले को पता ही होगा भाई, यहाँ पे मतलब बहुत ही बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह, बहुत सारी चीज़ें एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, रिसर्च एंड जो भी डेवलपमेंट वगैरह सब होता है। और यहाँ पे बहुत बड़ी जगह है, यहाँ वॉक करने आ सकते हो, घूमने तो वैसे अलाउ नहीं करते, वो चुपचाप वगैरह आ गए तुम्हारी किस्मत है, बट वॉक करने के लिए भाई बहुत अच्छी है। सुबह अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग वॉक के लिए भाई मज़ेदार जगह है। तो क्या घूम रहा है पूछा है, पीकॉक्स, इतने सारे पीकॉक्स है भाई देखो, यहाँ लैब्स वगैरह रिसर्च होते हैं देखो भाई। घंटा घर टाइप लग रहा है मेरे को पूछा का, काफ़ी अंदर आ चुका हूँ एंड भाई आज मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी वॉच, क्या बता रहे हैं वॉच में 1326 steps एंड भाई ओके रिपोर्ट चल रहा है सर, आज वॉच यूज़ कर रहा हूँ भाई। देखो यार कितना सुंदर है, कितना ग्रीन है यहाँ पे ना, जो यहाँ पे काम करते हैं गवर्नमेंट के लोग उनके यहाँ पे बड़े बड़े बंगलोज होते हैं, सब कुछ है भाई, अंदर स्कूल है। देखो यार कितना खूबसूरत है भाई। भाई ये रहा यहाँ का पूसा का ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड यहाँ ना, ये पीछे इनका स्कूल है गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल भाई, इस ग्राउंड में मैंने बचपन में इतना फुटबॉल खेला है यार, यहाँ पे बाहरी लोग भी शाम में खेलने आ सकते थे भाई। बेसिकली पूसा की हिस्ट्री ये है कि ये पूरा 1358 से लैंड है, ये पहले होता था बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर, जो इसे यूज़ करती थी अपनी आर्मी को हॉर्सेस सप्लाई करने के लिए एंड फार्मिंग वगैरह करने के लिए। फिर वहाँ पे अर्थक्वेक आया तो 1936 में इससे पूरा पूसा उठा के दिल्ली शिफ्ट कर दिया जब कैपिटल शिफ्ट कर रहे थे एंड अभी यहाँ पे ये पूरा 1358 से एरिया है एंड यहाँ पे सारी रिसर्च होती है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टडी होती है, यहाँ पे आप आके पढ़ाई भी कर सकते हो, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहते भी हैं एंड भाई काफ़ी बहुत बड़ा इलाका है भाई, बहुत 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 बहुत। ये लो भाई देख लो, तुम्हें कह रहा था ना फार्मिंग वगैरह सब होती है भाई, देखो खेत खलियाँ। एंड भाई यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे वो रहा वहाँ पे स्कूल का प्लेग्राउंड है, ये पूरा स्कूल है, वहाँ आगे पूसा में मदर डेयरी है, सफल है, यहाँ के लोगों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, यहीं से खाना ले लेते हैं एंड अपना सारा दूध दही वगैरह सब हो जाता है। यहाँ पे लोगों के क्वार्टर्स हैं सारे एंड भाई यहाँ पे इनका ग्राउंड है, यहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं, स्विंग्स हैं भाई। बचपन में मेरे को आज भी याद है, बचपन में यहाँ पे इतनी बार आया हूँ, मतलब इतनी बार आया हूँ और यहाँ पे सुबह आके इन पे झूला झूलते थे, झूला क्या ही झूलते थे भाई, पुलअप करते थे, आज पुलअप कर रहे हैं मन कर रहा है 2-4 पुलअप करते हैं इन पे। और मैंने अभी चेक किया भाई वीडियो में मेरी स्किन क्या लग रही है भाई, ये मैं नहीं हूँ, पता नहीं भाई कुछ ज़्यादा ही चमक रहा हूँ उसमें, वो तुम्हारा भाई मॉडल
15 मारे हैं, हल्की बातचीत नहीं है। लॉन टेनिस कोर्ट भी है बहुत अच्छा, पीछे बास्केटबॉल कोर्ट भी है। ये लो भाई, देख लो, देख के ऐसा लग रहा है ना पंजाब आ गए। ये भाई पंजाब में स्वागत है भाई। अब मैं जा रहा हूँ यहीं से पैदल पैदल घर। मेरा टारगेट था आज 10,000 स्टेप्स का, जो मैं आपसे हर रोज रखूँगा। हर रोज 10,000 स्टेप्स की कार्डियो भाई करनी ही करनी है। यहाँ पे मैंने मेरी घड़ी में दिखा रहा है 6,292 स्टेप्स हो गए हैं। 10,000 पूरे करने जो घर जाते आते हैं हो जाएंगे पैदल पैदल। हमारा भाई चल दिया है अपनी राहों पर, अपनी मंजिल की ओर। पंजाब आ गया हूँ बट मैं पैदल पैदल। पंजाबे आज हो जाएगा भाई मटी दी रोटी और सरसों का साग। पंजाब वाले भाई सारे लाइक कर दो फटाफट इसी बात पे। भाई यहाँ पे है डिवीजन ऑफ एग्रोनॉमी, देख सकते हो आप। वीडियो अच्छी चक्कर में साथ फोन ना चोरी हो जाए। भाई घर आ चुका हूँ एंड मैंने स्टेप्स कर लिए हैं 10,433। तुम्हें दिखा दो भाई 10,433 हो गया। 750 लगे हैं वॉशिंग के, 1,250 मेरा कमीशन। तेरा कमीशन मतलब तू हमें दे दे, जो तू गंदी करके लाया तुझे खुद धुलवा के देनी चाहिए थी। तो आप क्या चाहते हैं, मैं चार्ट के साफ करूं? चार्ट के कर ले। फ्रेश घर आते ही मैं सबसे पहले खा रहा हूँ अपनी मील। एंड भाई इसमें अब ना थोड़ी मील भी चेंज है भाई, देखना। इस मील में है 120 ग्राम चिकन, 400 ग्राम राइस है, ये अपनी ग्रीन वेजिटेबल, इसमें ब्रोकली होगी, बीन्स होगी, कैप्सिकम है एंड अपना 400 ग्राम दही। थोड़ा चिकन मैंने फ्लक्चुएट किया और फाइबर थोड़ा बढ़ाया और वो टेस्ट ले चिली ऑरिगैनो, चिली ऑरिगैनो, चिली ऑरिगैनो, चिली ऑरिगैनो, चिली ऑरिगैनो, चिली ऑरिगैनो, परफेक्ट। सर्विस स्टेशन से फ़ोन आया था एंड अब मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी लेने पैदल पैदल। मैंने कर ली थी ई रिक्शा, ई रिक्शा में आ गया मैं यहाँ तक। तुम्हारे भाई के बस की नहीं है भाई, 11,000 स्टेप्स हो गए हैं मेरे तो एक ही दिन में जान निकल गई। अब गाड़ी देखते हो कि रिपोर्ट हुई या नहीं हुई। देख लो गाड़ी की पूरी पॉलिश भी हो गई है एंड पूरी वॉशिंग हो गई है भाई, पूरी गाड़ी चमक गई। ओके रिपोर्ट एकदम, मैं भी दिख रहा हूँ गाड़ी में। ये भाई आगे से ओके लग रही है, अंदर से भी देख ले तुम्हारा भाई। ये लग रही है ना बातचीत, ये एकदम देख रहे हो चमक गई गाड़ी यार। क्या बोलते हो फिर से चले गए शिमला? बस वाला कह रहा है अभी तू हट जा मेरे जान दे। यार 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 क्या खुशबू आ रही भाई, कुत्ते जैसी नाके मेरी। शिमला फिर से, क्या बोलते हो अगली ट्रिप हो जाए? हाँ भाई। हेलो सर। भाई रुक जा भाई, कितना बढ़ेगा तू पहले तो ये बता। भाई मेरे पे लंबा बंदा देखा है? देख लो भाई ये देखो, ये मेरे बराबर पहुंच गया है जो बचपन में मेरे से भी छोटा था। कोई फालतू मत बोल देना मेरे से टूट गया मैं, ठीक है? दिल्ली में भी। अच्छा दिल्ली में भाई एमएलए है इसके पापा, ठीक है फालतू मत बोल देना। ये देख लो भाई वीआईपी गाड़ी में कैसे हॉर्न बजते हैं। चलो भाई देख लो भाई क्या चल रहा है यहाँ पे, इसी बात से हट रहे सारे। चलो भाई हट जाओ, देख और रहे हैं लोग, डर गए भाई आधे लोग, डर गए बस कर। भाई देखो रिच ब्राइट है तो आते ही इसने चलान भी कटवा दिया हमारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बेस्ट अच्छा अभी नहीं, अभी नहीं अच्छा अभी नहीं कटे या नहीं, देख रहे हो बातचीत हो तो ऐसी। अपने पापा नाम लिया और फिर भाई साहब ये कुछ भी बोलते हैं, ये बस दयालु लोग हैं, ठीक है। इनका नाम लिया हमने, हमने कहा यूट्यूबर बैठे हैं हमारे साथ, हमने कहा बस फिर तो नहीं रुकने देंगे गाड़ी। मेरे नाम पे तो पुलिस वाला गाड़ी बंद ही कर देता। एक्साइटमेंट के चक्कर में मैं आप लोगों को बताना ही भूल गया कि वो लोग कौन थे। तो भाई वो था मेरा कजन ब्रदर, मेरी बुआ जी का बेटा है वो, मनी निकनेम उसका मनी है, जिसे हम मनी बुलाते हैं भाई, उसको मनी सूट भी करता है अब तो। एंड उसका नाम है मिलिंद एंड उसके फादर एमएलए है गुड़गांव में। अब कहाँ के है, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी के है वो मैं आपको अभी नहीं बता रहा यार, थोड़ा इतनी ज़्यादा प्राइवेसी भी लीक नहीं करते। एंड भाई बट हवाबाजी रही HR 26 ब्रैट वाली वाइफ आ रही है, HR 26 चले गए। चलो भाई मैं आया एक्सरसाइज करने, फिर कुछ करते हैं थोड़ी भाई मेहनत करते हैं। वर्कआउट हो गया कम्प्लीट, चेस्ट एंड बाइसेप्स। भैया 8 बजे भैया लेट मत करो यार, जल्दी बंद करो भैया फटाफट।
अब करता हूँ मैं इस वाली वीडियो की एंडिंग। एंड अगर आपको मनी से मिलके अच्छा लगा हो एंड अगर आप चाहते हो कि थोड़े VIP स्टफ वाले भी व्लॉग्स आए तो भाई कमेंट कर देना नीचे फटाफट से VIP। एंड भाई वो बताऊँ, वो है तो मेरे से 3 महीने छोटा, बट हाइट और देख के ऐसा लगता है कि पूरे गुड़गांव का कॉम्प्लेन उसने ही खा लिया। तो भाई जो सपाट फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कर देना चार का। एंड भाई फिर लाइक, पता है ना किसके नाम पे करना है, चाल के नाम पे भाई लाइक कर देना। फिर मिलेंगे, लव यू।